चैनल को सब्सक्राइब करें और डर को दरकिनार कर आंख बंद करके सुने सबसे डरावनी और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर से शुरू है गई। गांड को छोड़ के आ जाओ काई कोठे पर। कुछ ना तो भूखे मर्दन की प्यास मिटाएगी, कुछ रकम कमाएगी। अरे लाठी खाएगी का, 9 साल की बच्ची है, ऐसी घिनौनी बात करने में शर्म ना आ रही? 1 साल से यही हाल है आको, 9 साल की उम्र है और अभी से मध्य चाहिए जाए। अरे कुदरत की मार है सब, एक तो बेचारी बीमार, ऊपर से गूंगी और अंधी। अरे बीमार बीमार कुछ ना, मस्ती में चूर है। 9 बरस की उम्र में 18 की हो गई है, शादी करवाओ अब जाकी। कावेरी, एक 9 साल की मासूम लड़की, जन्मजात से अंधी और गूंगी, एक गरीब परिवार में अपने पिता के गुजर जाने के बाद अपने दादी दादा और भाई के साथ बेकदरी की जिंदगी गुजर बसर कर रही थी, और जिस वजह से उसे पूरे परिवार और मोहल्ले पड़ोस में लज्जित किया जाता था, वह वजह कुछ ऐसी थी जिसे समाज में बताई नहीं बनता था। जहां इस उम्र में उसके साथ की बच्चियां शाम को अपने पिता के कंधे पर खेला करती थीं, वहीं कावेरी रात होते ही नींद में एक व्यस्क औरत की तरह काम वासना के लिए तड़पा करती थी, जिसके कारण उसके परिवार वालों ने उसे किसी अछूते की तरह कुछ से दूर कर दिया था। ए मर जा कुल्टा, तू तो साथ में बिठाने लायक ना है, तो बस मर्द चाहिए। 9 साल की उम्र में ऐसी है, आगे जाके ना जाने क्या गुल खुलाएगी। दादी कैसी बात कर रही हो आप, छोटी बच्ची है वो, ये सब वो जानबूझ के थोड़ी ना करती है, आपको ही पता है। बेटा तू सही कह रहा है, ये बेचारी तो खुद परेशान है, हकीम साहब को दिखाया था, कोई बीमारी है इसे, दवा देके ठीक हो जाएगी। हाँ दादू आप ठीक कह रहे हैं, मैं संडे को इसे फिर से ले जाऊंगा हकीम जी के पास, हमारी कावेरी ठीक हो जाएगी। कावेरी महज एक 9 साल की बच्ची जिसकी उम्र खिलौनों से खेलने की थी, पर वो एक ऐसी विचित्र समस्या से जूझ रही थी जिसकी हमारे समाज में कोई भी जगह नहीं। समस्या कामुकता की, काम वासना की। शाम होते ही उसकी दशा ऐसी हो जाती थी कि उसे अपनी काम वासना के आगे कुछ नहीं दिखता था। का कुल्टा का बोली? ए ठीक ठीक बोल, क्या बोल रही है समझ नहीं आ रही। अच्छा खाना चाहिए? अरे तेरी भूख खाने से कहाँ मिटेगी, तो खसम चाहिए जो तेरे जिस्म की भूख मिटा सके। अगर आज बाल विवाह गैर कानूनी ना होता तो कब की तेरी शादी करवा देती, शकल ना देखती तेरी काले मुंह की। जा यहाँ से, कोई खाना वाना नहीं मिलेगा। दादी कितने बार समझाया आपको, बेचारी के साथ ऐसा मत किया करो। कावेरी खाना चाहिए तुम्हें, खाना खाओगी? हाँ कावेरी खाना खाना है। हाँ ठीक ठीक ठीक, अच्छा खाना खाना है, खाना खाना है, अच्छा चलो मेरे साथ चलो, मैं खाना खिलाता हूँ। दादी खाना लेकर आओ, मैं कावेरी को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। एक तरफ जहाँ कावेरी की दादी उसे दिन रात कोसा करती थी, वहीं उसके दादाजी और भाई उसका पूरा सहयोग करते थे और उसे लाड़ दुलार किया करते थे। और तो और उसकी इस दशा को सुधारने के लिए अलग अलग वैद्य हकीम तांत्रिक के पास ले जाते थे,
लेकिन हर जगह से सिर्फ निराशा और उल जुलूल नुस्खे ही मिलते थे। किसी रांड की आत्मा आ गई है इसमें, तभी हवस की भूखी हो गई है ये। मैं तो कहता हूँ इसे 11 दिन तक भूखा प्यासा कमरे में बंद रखो। इसके सारे बाल काटकर कब्रिस्तान में दफन कर दो। चुड़ैल का साया है इस पर, प्यासी चुड़ैल का साया। एक तरफ जहाँ कावेरी का भाई और उसके दादाजी कावेरी को ठीक करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे थे, वहीं कावेरी गूंगी और अंधी होने के कारण ना किसी को अपना दर्द बता पाती थी और ना ही दिखा पाती थी। वो बस सारा दिन कमरे में नम आके लिए बैठी रहती थी और अपने दर्द और तकलीफों को बस रोज चीखकर बयां करती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और ऐसे ही एक रोज, अरे रामवीर, बड़े दिनों के बाद देखे भाई, क्या हाल है? क्या बताऊं बलबीर, बड़ा परेशान हूं, तुझे तो पता ही होगा। क्या पता होगा भाई, मैं तो खुद इतने समय के बाद गांव में आया हूं। शहर था पोते के पास, पूरे गांव में मेरी थू थू हो रखी है यार। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मेरी पोती अजीब सी बीमारी से परेशान है यार। एक तो बेचारी ना देख पाती है ना बोल पाती है, ऊपर से उसे ऐसी बीमारी है कि वो हमेशा बस काम वासना के लिए ही उतारू रहती है। पता नहीं क्या हो गया है उसे, मैं जानता हूँ वो गलत नहीं है, कोई ना कोई बीमारी ज़रूर है उसे, पर फिर भी जी करता है कि उसे मार दूँ या खुद मर जाऊँ। अरे यार परेशान मत हो यार। अच्छा ये बता, वो कुछ बताने की तो कोशिश करती होगी ना? हाँ कभी कभी लगता तो है कि कुछ कहना चाहती है, लेकिन हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। अच्छा तू चिंता मत कर, शहर में मेरे पोते के कुछ दोस्त हैं, शायद वो तेरी मदद कर सकते हैं। मैं आज ही उससे बात करता हूँ, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कावेरी के दादा की कहानी सुनने के बाद उनके दोस्त अपने पोते को शहर में फोन लगाते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। और कुछ ही दिन बाद दादाजी के दोस्त का पोता, जो कि साइन लैंग्वेज पढ़ने में माहिर होता है, उनके घर आता है और कावेरी के साथ साथ उसके दादा दादी और भाई से बात करता है। अच्छा ये कावेरी की हालत कब से है ऐसी? यही कुछ 2 साल से है बेटा। अच्छा कावेरी के दोस्त वगैरह भी है क्या, बॉयफ्रेंड या कुछ और? अरे कहाँ सर, बेचारी अंधी गूंगी है, घर से पांव बाहर नहीं रखती, दोस्त क्या बनाएगी। एक काम करो, मुझे आधा घंटा दो, मैं कावेरी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। और इसके बाद वो कावेरी को पूछताछ के लिए कमरे में अकेले ले जाता है। वहीं सारे घर वाले बेसब्री से बाहर खड़े आंखों में उम्मीद लिए इंतजार करते हैं। और तकरीबन आधा घंटा गुजरने के बाद कावेरी दादाजी के पोते के दोस्त के साथ कमरे से बाहर निकलती है। बेटा पता चला कुछ? दादाजी कावेरी के पिता के बारे में आपने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या बताता बेटा, हरामखोर ने 2 साल पहले कावेरी की माँ के गुजरने के बाद दूसरी शादी कर ली और फिर मियाँ बीबी में पता नहीं क्या हुआ, वो उसे छोड़कर दूसरे मर्द के साथ भाग गई और इसके बाप ने आत्महत्या कर ली। अच्छा और आप कौन हो? मैं कावेरी का भाई हूँ सर। भाई या सौतेला भाई? ये कावेरी की दूसरी माँ का बेटा जरूर है, माना सौतेला है, पर 2 साल से इसने कावेरी को सगे भाई से भी ज़्यादा प्यार किया है, बहुत सेवा की है इसने कावेरी की। हाँ भैया, मैं कावेरी के लिए सगे भाई से ही बढ़कर हूँ। भाई या कसाई? अरे 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 ये क्या कर रहे बेटा, छोड़। अरे ये क्या, छोड़ मार क्यों रहा है इसे, छोड़ छोड़ छोड़। भाई नहीं कसाई है ये, पिछले 2 साल से ये मासूम अंधी और गूंगी बच्ची के साथ उसे सेक्स के इंजेक्शन और गोलियां देकर अपनी हवस मिटा रहा है। पिछले 2 साल से जानवरों की तरह ये इसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। कावेरी की हालत इस दरिंदे की वजह से हुई है, इसके भाई की वजह से, इस सौतेले भाई की वजह से। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही, मैं अगली बार फिर आपसे होऊंगा रूबरू किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्ट स्टार।